हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। गली बॉय का ट्रेलर तब तक सबने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है उसके लिए बताना चाहता हूँ कि गली बॉय का ट्रेलर है और मूवी आ रही 14 फरवरी को। पूरी मूवी ही बेस्ड है अंडरग्राउंड रैपर्स के ऊपर, तो जिन जिनको पता है कि पूरी मूवी किस टॉपिक पर बेस्ड है और अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में नॉलेज है तो ठीक है, उनका तो अच्छी बात है। लेकिन उनको नहीं पता, उनको बता दूं कि अंडरग्राउंड रैपर्स वो हैं जो मेन स्ट्रीम में मेन जो लेबल होते हैं बड़े बड़े, जैसे टी सीरीज, इनके अंडर में नहीं होते हैं। वो अपने लिए खुद ही, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के छोटी मोटी जगह परफॉर्म करते हैं, खेल कूद में या फिर यूट्यूब पे। जैसे तो यूट्यूब पे तो काफ़ी भरमार है, लेकिन मेन स्ट्रीम में बहुत कम है, बहुत कम है। तो लेकिन वही बात है कि इनका टैलेंट बहुत छुपा रह गया और बहुत दबा रह गया, इनको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। रणवीर को काफ़ी इंटरेस्ट है रैपिंग में। जब मूवी दिल धड़कने तो बन रही थी, तो उसके उस वक्त की ही बात है, ये दिमाग में तभी आया था कि ऐसी मूवी बनेगी। तो जो गली बॉय पूरी बेस्ड है एक अंडरग्राउंड रैपर नेजी के ऊपर, और ये कैरेक्टर भी रणवीर सिंह का नेजी के ऊपर ही है। तो अब आता है वो मेन सवाल जो थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली दो सवाल है, पहला कि क्या ये गेम चेंजर बन जाएगी अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए, और दूसरा और क्या अब इस मूवी के थ्रू अंडरग्राउंड रैपर्स के साथ क्या बीतती है, क्या कैसे वो सरवाइव करते हैं, तो क्या लोग जान पाएंगे। तो दोनों सवाल में बिल्कुल हाँ है कि अंडरग्राउंड रैपर्स जो हैं तो उनको भी बहुत ना के बराबर लोग जानते हैं, तभी तो वो अंडरग्राउंड रैपर्स हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मेन स्ट्रीम आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में तो नहीं आ पाते हैं, यूट्यूब तक ही रह जाते हैं। और लेकिन यूट्यूब की कोई लिमिट नहीं है, उसकी रीच की कोई लिमिट नहीं है, तो ये उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, अपने लिए कुछ कर पाते हैं वो। लेकिन जब तक कोई मेन स्ट्रीम कंपनीज, म्यूज़िक कंपनीज नहीं समझेंगी इनकी कैपेसिटी, उनके टैलेंट को, तब तक ये हमेशा इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा और कभी हमेशा इनका टैलेंट वेस्ट ही जाएगा। तो ये मूवी इनके टैलेंट को पहचानने में, रिकॉग्नाइज कराने में बहुत हेल्प करेगी। बहुत लोगों को जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं था, उन लोगों को बहुत आइडिया हो जाएगा, और जिसको आइडिया था उनको टैलेंट की कदर होगी, तो इन लोग जरूर इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के इनके साथ काम करना चाहेंगे। इन लोगों के लिए, अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर ये मूवी के थ्रू उनकी खुद की कहानी अगर बाहर आती है, तो इन्हें उस नज़र से नहीं देखा जाएगा जो मतलब नो लो क्वालिटी की चीज़ें ये हो। एक्चुअली वो क्वालिटी लो नहीं है, वो एक अपनी एक जॉनर है, एक अलग कैटेगरी, एक अलग स्ट्रीम है जिसमें वो लोग परफॉर्म करते हैं। बहुत लोगों को समझ होती है, बहुत लोगों को नहीं होती, तो जिनको समझ होती है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और जज करते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिनको बिल्कुल समझ नहीं होती उनको फालतू लगता है। तो खैर दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, और मूवी 14 फरवरी को आ रही है, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ जिसको कुछ नहीं समझ में आता कि अंडरग्राउंड रैपर क्या होते हैं, रैप क्या होता है, हिप हॉप क्या होता है, वो बिल्कुल मूवी देखे। और रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ अगर बताना चाहते हो अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में, किसी का कुछ कमेंट है, और वीडियो के बारे में कुछ कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।